ये इस तरीके से पार्ट्स आपको ईजल स्टैंड के मिल जाएंगे। बहुत इजी है इसको इंस्टॉल करना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका ये इस तरीके से रख लेना है, ठीक है। और ये इसका बेस रहेगा और वो ऊपर से जो कर्व है वो इसका ऊपरी हिस्सा रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये लगाना है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है ये इसी के हिसाब से कटा हुआ है ताकि ए शेप में आए ये, और छेद के हिसाब से मिला लीजिएगा। नीचे जो रहेगा ये थोड़ा लंबे वाला रहेगा, ऊपर छोटे वाला, तो नीचे छेद के हिसाब से जैसे ये इसके ऊपर फिट हो जाए, उसी हिसाब से हमने छेद किए हुए हैं। तो इसको ऐसे लगा देंगे इसमें, ये ऐसे इसमें फिट हो जाएगा। और अब ये इधर हो गया। अब इसमें हम इस पर वार्सल दिए हुए हैं, वार्सल लगा देंगे। इसके बाद हमें इसे छोटे वाला लेना है, ये छोटे वाला जो है ये ऊपर आएगा, ये इससे छोटा साइज में थोड़ा छोटा होगा। तो इसको हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ ये इसके छेद के हिसाब से देख लीजिएगा, ये इसमें छेद में इसमें हम वार्सल और बोल्ट लगा देंगे। इस तरीके से आपका इतना हिस्सा ये तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें ये वाला प्लैंक लेना है, इसमें
ये ऐसे करके इसमें ऐसे लग जाएगा, नीचे की तरफ आएगा जी। लगा के इसको फिट कर लेना है, फिट कर लेंगे और ऐसे ऊपर की तरफ ये आपका आधा तो तैयार हो चुका है। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे बोल्ट जो हैं ये पीछे की तरफ आने चाहिए और सामने से इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है इस तरह के आपको वुड की कटिंग मिलेंगी। ये साइड एडजस्ट और स्टडीनेस और स्टेबल करने के लिए ये चीज लगाई जाती है इसमें। मेरा एक हाथ है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, एक हाथ से वीडियो बनानी पड़ रही है। ये दूसरा भी हम देंगे, ये यहाँ इस तरीके से ये बोल्ट एक यहाँ पे और एक यहाँ पे फिट हो जाएगा। अब इसमें वार्सल लगाएंगे हम। ये वार्सल लग गया और एक इसमें वार्सल लगाएंगे हम।
ये इतना तैयार हो गया, अब सिर्फ जो है दो ये लगाने होते हैं। इसमें से यहाँ पे लग जाएगा, ऐसे नहीं ये ऐसा लग जाएगा। तरीके से लग जाए तरीके से, ये आप इसको लूज़ भी कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका कैनवास आ जाएगा, या फिर कुछ भी एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ भी आपको बोर्ड बोर्ड लगाना है या वाइट बोर्ड लगाना है, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, आपके साइज़ के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ये तो ढीला करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं आप आराम से। अब सिंपल लास्ट हमारा पार्ट रह गया है, इसको आप हर से भी लगा सकते हैं ऐसे करके। ऐसे करके आप इसे ऐसे डाल सकते हैं, ये आपका हो गया तैयार। अगर आपने 6 फुट का ऑर्डर किया है तो उसमें सिर्फ जो है ये इसके नीचे एक और इसी तरीके से ट्रे आती है, जिसमें आप पेंट ब्रश वगैरह या फिर कुछ भी उसमें होल वगैरह जिन्होंने ख़रीदे उन्हें पता होगा, आप इसी तरीके से बिल्कुल सेम ये प्रोसेस है, इसी तरीके से आप वो लगा सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने कैनवास के साथ।